हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके करियर रुडिमेंट्स के एक और वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 1 जुलाई 2019 से आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, और स्टूडेंट से जितना फीडबैक हमको मिला है कि जो पेपर है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आया है, तो ये अच्छी खबर है। और देख लेते हैं आज के क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। जो आज के शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे शिफ्ट में आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में सारे क्वेश्चन को हमने इकट्ठा कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस एक ही महीना हुआ है कि सारे यूनियन मिनिस्ट्री का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपसे देखिए, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रेलवे मिनिस्टर एक बार आया है तो फिर से आएगा, बट आप क्या कीजिए, अगर आपका कल एग्ज़ाम है या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, आप अच्छे से जो नए मिनिस्टर्स बने उनके नाम पक्के से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज के शिफ्ट, आज सभी शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हु इज़ द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीयूष गोयल, ओके। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, पिनाकी चंद्र घोष। देखिए, लोकपाल इंपॉर्टेंट है, लोकपाल से मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट्स में, तो लोकपाल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, पिनाकी चंद्र घोष। और टेनियर कितना होगा लोकपाल का, 5 ईयर्स, ठीक है। लोकपाल बेसिकली है क्या, ये ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन ऑफ द कंट्री। ओम्बड्समैन मतलब कोई भी, मतलब ग्रीवेंस हो पूरे कंट्री के, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट गवर्नेंस को लेके, तो इनके पास आपका रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, बट सिंस लोकपाल से क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको पता लग जाए। देखिए, एक था लोकपाल सर्च कमेटी, कि ऐसी कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी को अपने नाम देंगे कि ये लोग लोकपाल के लिए अपॉइंटेड आप कर सकते हो, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो लोकपाल सर्च कमेटी के हेड थे वो थे रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, जो वहाँ हेड थे वो रंजना प्रकाश देसाई। तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि लोकपाल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, अब है सिलेक्शन कमेटी। सर्च कमेटी जो नाम देगा वो सिलेक्शन कमेटी फाइनली सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी इंपॉर्टेंट है, उनके हेड है प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी डिफरेंस है। अगर आपको हेड ऑफ सर्च कमेटी आए तो ये रंजना प्रकाश देसाई आंसर होगा, अगर सिलेक्शन कमेटी के हेड आए तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आंसर होगा, ठीक है। तो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑन कौन कौन से मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी में, एक है आपके लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे जो कि नॉमिनेट किया जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि इस बार के सिलेक्शन में एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कौन थे, क्योंकि बाकी सब आंसर सब जानते हो, ठीक है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट अचानक से पूछ ही सकते, तो वो है आपके मुकुल रोहतगी, ओके। When was the third battle of Panipat fought? ये क्वेश्चन आया था, ये आपका हुआ है 1761 में, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था आपके 14th जनवरी 1761 किन के बीच में, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये जंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के, मतलब मराठास बहुत वाइडली स्प्रेड कर रहे थे और नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड कर रहे थे, बट ये वॉर के बाद से उनका पावर धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, प्रमोद सावंत। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के डेथ के बाद प्रमोद सावंत सिलेक्ट किए गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ओके। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एसएससी अचानक से ऐसे पूछ ही सकते हैं कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो रंजन गोगोई है आपके 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एच जे कानिया, ओके। हु इज द सीईओ ऑफ गूगल, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द सीईओ ऑफ गूगल। अब क्वेश्चन है कि हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस 2019, ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस 2019, तो इसका आंसर होगा आपका जोका अलहर्ती फॉर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। और इनके जो ट्रांसलेटर थे वो है मैरिलिन बूथ। तो ये दो नाम याद रखिएगा, ये अवार्ड इक्वली मिलता है, इसका जो अवार्ड प्राइस होता है इक्वली डिवाइड होता है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस एक मतलब दूसरे लैंग्वेज के ऑथर को दिया जाता है, और उसका ट्रांसलेटर इंग्लिश में होते हैं कोई एक ऑथर, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये है मैरिलिन बूथ। कौन सी किताब के लिए, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है, असली में तो बुक ओमान की है, ठीक है, पर जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है उसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, ओके। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस जब आया है, आपको मैन बुकर प्राइस 2018 का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो है एना बर्न्स फॉर मिल्कमैन, ओके।
हु इज द सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रेसिडेंट इनके डेविड मेलपास है बट सीईओ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा ठीक है, कि प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है कि सीईओ पूछा जा रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन में डेविड मेलपास दिया हुआ था और बहुत कैंडिडेट्स ने डेविड मेलपास को टिक किया है। ओके, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, हु, तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपके इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्वेश्चन आए हैं ठीक है, तो आने वाले दिनों के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए, एटलीस्ट एक्सपेक्ट कीजिए कि एक से दो क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो उनके आप तीन चीज़ें तो पक्के से पढ़िए कि उनका फाउंडिंग डे कब था ठीक है, उनके अभी के जो करेंट है डायरेक्टर बोलिए कि प्रेसिडेंट बोलिए कि चेयरमैन या सीईओ बोलिए, उनके नाम आप पढ़ लीजिए और सबके हेडक्वार्टर्स तो पक्के से पढ़िए ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनीवा इन स्विट्जरलैंड। ओके, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की है रिसेप तैयिप एर्डोगन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपके प्रेजेंटली 245 सीट्स है जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है ठीक है, 12 आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 233 आर इलेक्टेड मेंबर्स। अब एक चीज़ है, ये पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स मतलब करेंट सीट्स है ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा है कि मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है राज्यसभा का, तो वो हो सकता है 250, और ये कौन बताता है, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने इधर दे दिया, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250। ध्यान दीजिए, आज राज्यसभा से क्वेश्चन आया है, ऐसा हो सकता है ये कल या परसों के एग्जाम में आपको लोकसभा से क्वेश्चन भी पूछ ले, तो लोकसभा का जो अभी का कैपेसिटी है वो है आपका 545 ठीक है। हु डिजाइन द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो स्टेशन है मुंबई CST जिनको हम बोलते हैं, तो उनके डिजाइनर कौन थे, उनके डिजाइनर थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहेगा बट एक चीज ध्यान दीजिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो GS वाला टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट उससे क्वेश्चन आया है ठीक है। इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कुछ और भी क्वेश्चंस आज देखने को मिले, तो आप पक्के से वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप गूगल करके उनको पहले पढ़ लीजिए। ओके, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहां से DNA भी पूछा जा सकता है, DNA का फुल फॉर्म है deoxyribonucleic एसिड। ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप ऐसे याद रखिए इसको, सोडा से सोडियम ठीक है और बेकिंग से बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है, सोडा जब भी आएगा उसमें सोडियम पक्के से रहेगा। ओके, इन विच स्टेट इज कांचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो कांचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो आपके सिक्किम में ठीक है, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लीजिएगा अगले दिनों के लिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हो बट हाँ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से स्टेट में है उनसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि SSC CGL में भी पूछे गए थे। What is the length of river Ganga, ये पूछा गया है आज के, तो इसका जो लेंथ है वो है 2525, ऐसे याद रखिए 2525, तो ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि गंगा जो है आपके इंडिया का इंडियन मेनलैंड के अंदर ये लॉन्गेस्ट रिवर है ठीक है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसीलिए इसका लेंथ यहाँ पे पूछा गया है, तो कुछ चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड देख लीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया भी देख लीजिएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी में 12 है क्योंकि कबड्डी लीग स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा अभी न्यूज में है तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ कबड्डी 12। ओके, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो वो कौन थे, मिहिर सेन। ओके, रुक्मिणी देवी अरुंधले इज एसोसिएटेड विथ विच डांस, तो ये है भारतनाट्यम ठीक है, और भारतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है, तमिलनाडु, तो आप थोड़ा जो मतलब क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके डांसर्स के नाम थोड़े से पढ़ लीजिएगा ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एकदम डांसर्स है जैसे बिरजू महाराज आप देख लीजिए, रुक्मिणी देवी अरुंधले देख लीजिए, तो इन सभी के नाम और कौन से डांस से एसोसिएटेड है वो थोड़ा आप आज पढ़ लीजिए अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है। अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर कलिंग वॉर, तो वो है आपका बुद्धिज्म, तो यहां से एक और क्वेश्चन हो जाता है, कलिंग वॉर कब लड़ा गया था, तो ये है आपका 261 BC, SSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब उनका बहुत पसंदीदा एक क्वेश्चन है ये, कलिंगा वॉर से रिलेटेड या अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देते रहते हैं ठीक है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूलामुठा, तो मूलामुठा के आपके सिटी है पुणे ठीक है, पुणे इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूला ठीक है।
देख लेते हैं और क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड एक्सरे, ये क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर है इन्वेंटर ऑफ एक्सरे है विल्हेम रोंटगेन। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किया था विल्हेम रोंटगेन ने। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, बहुत ही मतलब एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर से पूछा जा सकता है, लोगों को कंप्यूटर पता होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आज आ गया था हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, तो इसका आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। What is the SI unit of entropy? Joules per Kelvin. देखिए SI unit वाला जो पार्ट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके SSC एग्जाम्स के लिए। तो आपका अगर अभी एग्जाम बाकी है मैं तो बोलूँगा आप थोड़ा गूगल कीजिए, जितने सारे मतलब इंपॉर्टेंट आपके फिजिकल मेजरमेंट्स हैं उनके SI unit आप पक्के से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर ही लो कि SI unit से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और दो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे एग्जाम्स में। ओके, आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ये एक्जैक्टली देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद से ऐसे नहीं है, हो सकता है कि कुछ इधर उधर है, बट हाँ ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड पूछा गया, तो आर्टिकल 27 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे लिख दिया आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ वॉट। तो आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब आप किसी को ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपके एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो इससे जो फ्रीडम है वो है आपका आर्टिकल 27। और ये कौन से राइट टू फ्रीडम के राइट के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम पर्पस आप जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के, आपके सबको नाम तो पता है बट फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो पक्के से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल कौन से फंडामेंटल राइट का है और उसके अंदर अंदर जो इंडिविजुअल राइट है वो कौन से फंडामेंट मतलब क्या है उसका मतलब, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। स्पेशली 32 वाला जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकते हैं मैंडमस हेबिस कॉर्पस, उनसे जो रिट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है व्हाट इज द निकनेम ऑफ विराट कोहली, तो विराट कोहली का निकनेम है चीकू। ओके, हु इज, देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिल गया जो करंट मिनिस्ट्री है वहां से, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो है हर्षवर्धन। आप पक्के से अगर आपका कल भी एग्जाम है रात को सोने से पहले आप विकिपीडिया में जाइए, वहां पे आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। कोई दूसरा वेबसाइट कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, कोई वीडियो पे मत जाइए अभी फिलहाल उसके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आपका कल एग्जाम है आप सिंपली विकिपीडिया में जाके जो करंट कैबिनेट मिनिस्टर है उसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए। ओके, Who won the first cricket World Cup? तो West Indies, जो 1975 वाला World Cup हुआ था, वो पहला edition था, वो West Indies ने जीता था। देखिए World Cup से related question इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि cricket World Cup भी चल रहा है। ठीक है, तो आप expect कर सकते हो कि World Cup से related questions आपको exam में देखने को मिल जाए। ओके, तो what is the capital of Israel? अगला question है वो है Jerusalem। Who is the chairman of Indian Railways Board? विनोद कुमार यादव। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आज क्वेश्चन में आ चुका है, आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ लीजिए, आप इंडियन रेलवेज बोर्ड का ये क्वेश्चन आ चुका है, और जितने भी सारे अपॉइंटमेंट्स है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सब आंसर आप अच्छे से तैयार करके ही जाइए क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Who is hosting the 2019 G20 summit? तो G20 summit इस साल का host कर रहे हैं जापान। ठीक है, तो इधर से एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि अगला साल का जो summit है वो कौन held करेगा, वो है सऊदी अरेबिया, और 2022 वाला जो G20 summit है वो इंडिया held करेगा। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 summit, वो आपका आंसर होगा 2022। ओके, वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न, इसका आंसर होगा लुम्बिनी। तो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने इधर लिख दिया है कि जो गौतम बुद्धा थे उनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, वो बॉर्न कौन से क्लैन पे हुए थे, शाक्य क्लैन। ठीक है, जो महाजनपदास थे उस टाइम पे जो शाक्य क्लैन थे उनमें इनका बर्थ हुआ था, उनके ये राजकुमार थे इन लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो हाल मतलब नेपाल में है इनका रेंडे, और कौन से साल में हुआ था, 563 BC। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। तो घुमा के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन विच प्लेसेस, तो कहां से कहां तक पहला ट्रेन इंडिया का चला था, तो पहला ट्रेन आपका चला था बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से लेके थाने, बॉम्बे से थाने आपका पहला ट्रेन चला था ऑन 16 अप्रैल 1853। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है प्लेसेस के बीच में, अचानक से आपको डेट भी पूछ सकता है, शायद से पूरा डेट ना पूछे बट साल आपको पूछ ही सकता है CHSL में कि कौन से साल में पहला पैसेंजर ट्रेन रन हुआ था इंडिया में।
अगला क्वेश्चन है फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो पहला न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आपका था बंगाल गैजेट, ठीक है, जो कौन इसके एडिटर थे, जेम्स ऑगस्टस हिकी, और कौन से साल में हुआ था, 1780 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। साई प्रणीत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, साई प्रणीत इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, फिलहाल जितने भी सारे इन प्रेजेंट सारे स्पोर्ट्स से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, जैसे आप देख लीजिए जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा है, ठीक है, और जितने भी ऐसे प्लेयर्स है जिनको मतलब कोई गोल्ड मेडल या कुछ कहीं पे मिल रहा हो, कहीं पे कुछ मतलब जीता हो या अर्जुन अवार्ड मिला है, तो ऐसे प्लेयर्स के नाम और वो कौन कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, ये थोड़ा आप देख लीजिए आज, ठीक है। विच आर्टिकल फॉर लोकपाल, देखिए लोकपाल से एक और क्वेश्चन आ गया कि कौन सा आर्टिकल आप से आपका लोकपाल बनाया गया है, तो आर्टिकल का नाम है लोकपाल एंड लोकयुक्ता बिल ऑफ 2013, ओके। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC आपका है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके लुजान पे इन स्विट्जरलैंड, और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है थॉमस बैच, ओके। ये भी आपके करंट अफेयर से है क्योंकि हाल ही में इंडिया के साथ थोड़ा मतलब गड़बड़ हुआ था IOC का, कि इंडिया ने बैन कर दिया था, IOC ने बैन कर दिया था इंडिया को कुछ अगले कॉम्पिटिशन हेल्ड करने के लिए, क्योंकि ISSF के टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के शूटर्स को अलाउ नहीं किया था, तो इसी कारण से, ठीक है, तो इसीलिए पूछा गया शायद से। अगला क्वेश्चन है यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो यक्षगान आपका फोक डांस है कर्नाटका। देखिए डांस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको बताया जाता है क्योंकि SSC के हर एग्जाम में आपको डांस के क्वेश्चंस मिलेंगे ही। वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, तो वो आपका है IMA आपका कहां पे है, देहरादून। हु इज नोन एज द मेट्रो मैन इन इंडिया, ठीक है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो मेट्रो मैन इन इंडिया है आपके इलट्टू वलपील श्रीधरन, ये आपके दिल्ली मेट्रो के भी आर्किटेक्ट है इलट्टू वलपील श्रीधरन। अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके है सरोद, तो इस बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के मास्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हु बिल्ट द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, ये आप सभी को शायद से पता ही होगा, नेकचंद साइनी। एक क्वेश्चन आया था कैसे पूछा गया एग्जैक्टली पता नहीं है, कि विक्रम सेठ के किताब का नाम पूछा गया है, तो विक्रम सेठ के किताब का नाम है आपका अ सूटेबल बॉय, ओके। देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, ICC से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ICC का आपका क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके अभी चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, ठीक है, चेयरमैन ऑफ ICC है शशांक मनोहर। आपको हेडक्वार्टर्स पूछा जा सकता है, चेयरमैन आ चुका है, हेडक्वार्टर्स आना अभी बाकी है, तो हेडक्वार्टर्स याद रखिए दुबई है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको इंग्लैंड रहेगा, तो इंग्लैंड उसका आंसर नहीं होगा, लंदन नहीं होगा आपका, आपका दुबई होगा इसका करेक्ट आंसर, हेडक्वार्टर्स ऑफ ICC है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Who presided over the INC कानपुर सेशन, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया था, अब आप बोलेंगे कि सारे सेशन याद करना, देखिए इंपॉर्टेंट तो है INC के सेशंस, बट उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो आप याद कीजिए, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है, सरोजिनी नायडू इसमें प्रेसिडेंट थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट थी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला सेशन था जिनको एक इंडियन लेडी ने प्रिसाइड किया है, ठीक है, पहली जो सेशन किसी लेडी ने प्रिसाइड किया था वो एनी बेसेंट था, कोलकाता का सेशन, बट कानपुर सेशन पहला वो सेशन था जहां पे एक इंडियन लेडी ने प्रिसाइड किया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये 1925 का था, ओके। तो आपको वो कांग्रेस के सेशंस पढ़ लेने हैं जहां पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हुआ है, कि फर्स्ट क्रिश्चियन फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट सोच लीजिए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट सोच लीजिए, या कौन सा साल जहां पे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था वो एक ही साल, बेलगाम सेशन, तो वो मैं इधर पे नहीं बोलूंगा, आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको गूगल करके मिल जाएगा। When was the first match played in World Cup 2019? देखिए एक और क्वेश्चन वर्ल्ड कप से रिलेटेड, कि पहला मैच कौन सा खेला गया था, मतलब कौन से दिन पे खेला गया था, तो ये था आपका 30 मई को इनॉग्रल मैच हुआ था इस वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। एक क्वेश्चन मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि किसी ना किसी एक सेक्शन में तो आप सेशन में आपको देखने को मिल ही सकता है किसी ना एक किसी शिफ्ट में, ये कौन सा एडिशन है वर्ल्ड कप का, ये है आपका 12th एडिशन, ठीक है, बहुत ही मतलब प्रोबेबल ये क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही देखिए बार बार पूछा जाने वाला सवाल, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी, एडमिरल करमबीर सिंह, सुनील लांबा को रिप्लेस करके बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ओके। बिटवीन विच टू कंट्रीज मैरिटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स हेल्ड, तो सिम्बेक्स आपका हुआ है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है, तो बाकी जो मैरिटाइम एक्सरसाइजेस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वरुण हो, इंद्र हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा इधर से एक पॉइंट देख लीजिए, हाल ही में हुआ था तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, कि इंडियन नेवल शिप्स जो थे INS कोलकाता और INS शक्ति, ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे सिम्बेक्स में, ठीक है, सिम्बेक्स हाल मई में ही हुआ था, एकदम करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो कौन से दो शिप थे INS कोलकाता और INS
शक्ति इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। बहुत ही आसान सा सवाल। रणबीर कपूर वन द फिल्म फेयर अवार्ड 2019 फॉर विच मूवी? तो उनको मिला है संजू के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को राजी के लिए, ठीक है। तो रणबीर कपूर को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड संजू के लिए, और बेस्ट मूवी फिल्म फेयर अवार्ड में थी आपकी राजी। और डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? मेघना गुलजार फॉर राजी, ओके। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर इज ऑफ विच नंबर? देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया था, तो अभी के जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास, और वो कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th, ओके। हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? डेविड रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था नाइट्रोजन। तो यहाँ से आप थोड़ा और पढ़ लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनके थोड़े आपके डिस्कवर किन्होंने किया था वो थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रोंज? तो एलॉय से एक क्वेश्चन है, कॉपर एंड टिन आपका ब्रोंज बनाता है, ओके। When was the World Trade Organization founded? देखिए ऑर्गेनाइजेशन से एक और क्वेश्चन, तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। करंट इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्टो एजवेडो। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका? जिनीवा में है, ओके। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तीन टाइप के क्वेश्चन ही आपको आएंगे कि कब हुआ था फाउंडेड, और उनके प्रेजेंट जो हेड है वो कौन है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो, ठीक है। Who is the author of Origin of Species? Charles Darwin, ठीक है। बार बार पूछा गया सवाल SSC में। With which sport is Grand Slam associated? ये सभी को पता है, टेनिस, ठीक है। टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ओके। ब्लैक पगोडा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लैक पगोडा ऐसे बोल दिया गया है। इंडिया में जो ब्लैक पगोडा है वो कोणार्क सन टेंपल को बोला जाता है। पहले के दिनों में मतलब यूरोपियन जब यहाँ पे राज था, ब्रिटिश राज था, उस टाइम पे कोणार्क सन टेंपल को ब्लैक पगोडा भी बोला जाता था, क्योंकि उसके काले रंग के चलते। तो ये कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में है, ओके। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पूछा गया था May 8, एकदम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रिसेंट इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स में आपको ये आ जाएगा। अच्छा, इंडिया इज कनेक्टेड टू विच कंट्री बाई नाथुला पास? वो आपका आंसर होगा चाइना, ओके। इंडिया और नाथुला, तो सारे पास आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट सरस्वती सम्मान किनको मिला था? तो पहला सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी को, ओके। और अभी के जो प्रेजेंट सरस्वती सम्मान मिला है उन किनको मिला है? तेलुगु राइटर है ये, के शिवारेड्डी, ओके। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम आपके कौन है? प्रेम सिंह तमांग। देखिए एकदम ही करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में ये चीफ मिनिस्टर बने सिक्किम के। तो थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के बने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के हैं जगमोहन रेड्डी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ। राजस्थान है अशोक गहलोत। और मिजोरम है जोराम थांगा, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ये करंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ मिनिस्टर्स के, उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ओके। तो चलिए इसी के साथ आज के शिफ्ट के जो जीके और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करवा दिए आपको। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो जो दोस्त आपके देने वाले CHSL आने वाले शिफ्टों में, तो उनके साथ भी ये आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैंने कवर नहीं किया है कि आपके CGL में क्वेश्चन पूछा गया था नेबरिंग कंट्रीज से बहुत सारे, बट यहाँ पे आज के किसी भी शिफ्ट में वो आया नहीं है। बट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो पूछा नहीं जा सकता है। SSC आपको आने वाले शिफ्टों में उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरा एक वीडियो था CGL के टाइम पे, मैंने निकाला था कि नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, तो वो वीडियो आप कवर कर लेंगे तो आपको नेबरिंग कंट्रीज के क्वेश्चन आपको वहां से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, पढ़ते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलिए ऑल गुड बाय।